सलमान खान की टाइगर जिंदा है इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है और अभी से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ सेंटर्स पर फिल्म के शोज हाउसफुल हो चुके हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सलमान खान की नई फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता का क्या आलम है। इस समय हर ट्रेड पंडित ये मान बैठे हैं कि भाईजान की ये फिल्म इस साल के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। बता दें कि हाल ही में ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने बताया कि मेरे मुताबिक टाइगर जिंदा है का पहले दिन का कारोबार 35 करोड़ रुपए से ज्यादा रहेगा। अब 35 करोड़ से ये कितना ज्यादा रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। अगर फिल्म के लाइफ टाइम बिजनेस की बात की जाए तो टाइगर जिंदा है में वो सारी खूबियां हैं जो इसे सलमान खान की तीसरी 300 करोड़ी फिल्म बना सकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि टाइगर जिंदा है बजरंगी भाईजान और सुल्तान की तरह कमाई करेगी। हालांकि फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस कितना रहेगा ये तो इसकी रिलीज के बाद ही बताया जा सकता है। तो देखा आपने, ट्रेड एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म पहले दिन 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि सलमान की प्रेम रतन धन पायो ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 40.35 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि टाइगर जिंदा है पहले दिन ये रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।